मथुरा जहां देश पूरा कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर मथुरा की सभी संस्थाएं मौन बैठी हुई हैं। कोरोना महामारी को रोकने व उसके बचाव के लिए मथुरा से किन्नर समाज आया सामने। किन्नर समाज द्वारा मथुरा में विभिन्न जगह मास्क वितरित किए गए, जिसमें मथुरा पुलिस, मथुरा नगर निगम के कर्मचारी तथा आम जनमानस चल रहे थे, उन सभी को मास्क उपलब्ध कराए तथा सभी से निवेदन किया है कि इस महामारी से बचाव के लिए शासन और प्रशासन की हर सहयोग मदद करे तथा अनावश्यक कार्य से घर से बाहर निकले। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर जाए, साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कतई ना निकलने दिया जाए और साथ ही आम जनमानस बार बार साबुन से अपने हाथों को साफ करें। हमारा फर्ज है कि हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है कि जिसके होते हुए हमारे देश को समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जो गरीब लोग हैं, अब 21 दिन के लिए मोदी जी ने ये बैकडाउन कर दिया, बिल्कुल आना जाना बंद कर्फ्यू लग चुका है। तो अब इसके दौरान जो गरीब आदमी हैं वो अपने घर में राशन भरवाएं या मास्क खरीदें। तो हमने सोचा कि कुछ ना तो कुछ तो मास्क तो डोनेट कर ही सकते हैं हम लोग, आके किन्नर लोग आगे बढ़ के। ये हमारे किन्नर समाज का ग्रुप है, मेरी गुरु का नाम सपना भाई किन्नर है, हम लोग यहाँ भरतपुर गेट मच्छी मंडी में रहते हैं पंजाबी कॉलोनी में। ये सब मेरी सहेलियाँ, मेरी बहनें हैं बड़ी छोटी, हम लोग यहाँ सबको मास्क बांटने आए। और अभी होली के दिन एक मेरी सरकार से एक और हाथ जोड़ के विनती है, एक तो इतना हमारे मथुरा के अंदर और पूरी इंडिया के अंदर इतना पोल्यूशन, इतना वायरस फैल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी मथुरा की जो ये जनता है और जनता के बाद प्रशासन है, उनसे एक निवेदन है कि ये जो हमारे देश में नशा खुलेआम बिक रहा है हमारे मथुरा के अंदर, अभी कुछ दिनों का टाइम है, सिर्फ 10 तारीख की बात है, होली के धूल वाले दिन मेरी गुरु का लड़का 22 साल का, वो वहाँ पे गोवर्धन चौराहे पे उसकी डेड बॉडी मिली, उसके क्या नाम है, इंजेक्शन लगा के उसकी डेड कर दी। और वहाँ पे खुलेआम नशा बिक रहा है, इंजेक्शन बिक रहा है, हमारे जहर बिक रहा है हमारे मथुरा के अंदर, और प्रशासन को सब पता है, फिर भी प्रशासन को उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। इस बात से हम बहुत नाराज़ हैं, बहुत खफा है। हमारा घर का एक बेटा, एक सदस्य जिसे बचपन से पाला पोसा, 22 साल का उसकी एक साल की बेटी है, वो भी इस दुनिया से जा चुका है। तो मैं नहीं चाहती कि उसके बजाय कोई और जाए, बस मेरे यही प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है। और जितना हो सके पब्लिक में आप एक दूसरे से दूर रहो, साबुन से अच्छे से हाथ धो, मास्क लगाओ और अपनी सेफ्टी करो।